एक बार की बात है, एक गांव में संगीता अपने पति और देवर के साथ रहती थी। संगीता पर किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर रखा था, इसलिए महेश उसे रात को पलंग के साथ बांध कर रखता था। रात होते ही उनके घर से अजीब अजीब सी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती थी, जिसकी वजह से उनके पड़ोसी बहुत डरते थे। फिर एक दिन बाबा के कहने पर महेश अपनी पत्नी को उस चुड़ैल के साए से मुक्त करवाने के लिए गांव से दूर एक प्रसिद्ध जगह पर जाने के लिए निकलता है। फिर महेश अपने भाई और संगीता के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर में ट्रेन आ जाती है और वो उसमें बैठ जाते हैं। संगीता, देखना अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। भैया, अभी तो दिन का समय है, लेकिन रात होने पर क्या करेंगे? अगर रात होने पर भाभी चुड़ैल बन गई, तो ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का क्या होगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो भाई, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मैं रात होने पर कुछ ना कुछ उपाय कर लूंगा। संगीता चुपचाप सीट पर बैठी रहती है। फिर रात होने पर, संगीता मैं तुम्हें और सामान को इस सीट के साथ बांध रहा हूँ। अगर वो चुड़ैल तुम पर हावी होने की कोशिश करे तो तुम संभाल लेना। जी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं उस चुड़ैल को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। फिर ट्रेन में सब लोग सो जाते हैं। महेश संगीता को सामान के साथ ही सीट की रॉड से बांध देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी चंद्रमा को काले बादल अपने आगोश में ले लेते हैं। तभी वो चुड़ैल संगीता पर अपना कब्जा कर लेती है। संगीता गुर्राने लगती है। काली रात होने की वजह से संगीता पूर्ण रूप से चुड़ैल बन जाती है। तभी चुड़ैल के गुर्राने की वजह से राजेश की नींद खुलती है। वो सामने वाली सीट पर सफेद चादर लेकर सो रहा होता है। फिर वो थोड़ी सी चादर उठाकर बाहर झांक कर देखता है। आई मम्मी, ये क्या, भाभी तो चुड़ैल बन गई। हाय रे, अब क्या होगा? अरे अरे, ये क्या, भाभी की जंजीर भी टूटी हुई है, अब क्या करूं? फिर राजेश धीमी आवाज में महेश को पुकारता है। अरे महेश भैया, जल्दी उठो, देखो क्या अनर्थ हो गया, संगीता भाभी तो चुड़ैल बन गई, जिस बात का डर था वो हो गया, जल्दी उठिए ना। अरे अरे मर गए रे, ये संगीता को क्या हो गया, ये तो पूर्ण रूप से चुड़ैल बन गई। भैया चुपचाप चादर में छुपे रहो, अरे भाभी ने देख लिया तो हमें कच्चा ही खा जाएगी। लेकिन राजेश, मैंने तो इसे सामान के साथ साथ रॉड से बांधा था, ये जंजीर किसने खोल दी? पता नहीं भैया, वो ट्रंक भी गायब है जो हम अपने साथ लाए थे, अब क्या करें? फिर संगीता अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और ट्रेन में आगे की ओर चल देती है। भैया भाभी तो आगे की ओर चली गई, अब ये ट्रेन के किसी यात्री को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर संगीता गुर्राते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तभी उसकी आवाज सुनकर एक यात्री की नींद खुलती है। अरे ये कमबख्त कौन है जो इतने डरावने डरावने कर्राटे ले रहा है? हैं? कौन है? अरे कौन है वहाँ जो इतनी जोर जोर से कर्राटे ले रहा है? चुपचाप शांति से सो जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर इतना बोलकर वो गांव वाला फिर से सोने लगता है, लेकिन संगीता अभी भी गुर्राते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है। अरे नास मिटे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? इतने डरावने डरावने खर्राटे क्यों ले रहा है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तभी चुड़ैल उस यात्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर वापस पीछे की ओर आने लगती है। तभी वो गांव वाला उसे देख लेता है और अपनी चादर में छुप जाता है। आई मम्मी, ये क्या चीज है भाई, ये तो कोई डरावनी चुड़ैल लगती है, ये ट्रेन में कहां से आ गई? आई मम्मी बचा लो, अब क्या होगा, अरे कोई तो बचाओ। तभी उस चुड़ैल की गुर्राने की आवाज सुनकर सब यात्रियों की नींद खुल जाती है और ट्रेन में चुड़ैल को चलते हुए देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब यात्री अपनी अपनी चादर में छुपे रहते हैं। अरे भाइयों, कोई भी आवाज मत करना, ये मेरी पत्नी है, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है,
अगर इसने किसी को देख लिया तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे नास मिटे, अगर तुझे पता था कि तेरी पत्नी चुड़ैल है तो इसे ट्रेन में लेकर क्यों घूम रहा है? कमबख्त हम सबको मरवाना चाहता है क्या? अरे भाई साहब, चुपचाप अपनी चादर में छुपे रहो। अगर भाभी ने आपकी आवाज सुन ली तो आपको कच्चा ही खा जाएगी। आई मम्मी, अब क्या होगा? ये नास मिटे तो चुड़ैल को अपने साथ लेकर ट्रेन में घूमने निकले हैं। अरे नास मिटू, अगर मैं सुबह तक बच गया तो तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। पहले सुबह होने तक अपनी जान तो बचा लो, फिर हमें सबक सिखाना। सब लोग उस चुड़ैल को छुप छुप कर देखते रहते हैं। तभी एक स्टेशन आता है और ट्रेन वहाँ रुकती है और एक चने बेचने वाला ट्रेन में चढ़ता है। चने ले लो, चने 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 चने, गर्मा गर्म चने, चने ले लो भाई चने। अरे ये क्या, आज तो सारे यात्री सो रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कोई ना कोई तो रात में भी उठा ही होता था, आज ये सब सो कैसे रहे हैं? अरे उठो भाई, चने खा लो, चने ले लो चने, गर्मा गर्म चने 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 चने। अरे मर गए रे, ये चने वाला कहाँ से आ गया? अरे कमबख्त चने वाले, चुप हो जा, चुप। तो सबको मरवाने पर तुला हुआ है, अगर तेरी अम्मा ने तेरी आवाज सुन ली तो कभी चने बेचने के लायक नहीं रहेगा। चने ले लो चने चने, ताजा ताजा गर्मा गर्म चने चने चने। अरे मर गए रे, अब ये नास मिटा सबको मरवा कर ही छोड़ेगा। तभी वो चुड़ैल उस चने वाले की आवाज सुन लेती है और तेजी से उसकी ओर आती है। चुड़ैल को सामने से आता देख उस चने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो आती ही उसकी गर्दन पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, भाई ये कमबख्त चुड़ैल इस ट्रेन में क्या कर रही है? कोई मुझे बचाओ, मैं मर गया रे। अरे नहीं, वही हुआ जिस बात का डर था, हमेशा बचाना होगा। फिर वो गांव वाला चादर से निकलकर महेश की ओर जाता है। अरे डरपोक, जल्दी चादर से बाहर निकल, वो देख तेरी पत्नी चने वाले की जान लेना चाहती है, जल्दी चलो हमें उसे बचाना होगा। फिर वे तीनों उस चुड़ैल की ओर दौड़ते हैं और उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। अरे भाई मुझे बचाओ, ये तो मेरी गर्दन ही मरोड़ रही है, जल्दी इसे पीछे हटाओ। अरे भाई साहब, किसी के पास कोई माचिस या लाइटर है? फिर एक यात्री जल्दी से एक लाइटर जलाता है। आग देखते ही वो चुड़ैल डरने लगती है। फिर वो तीनों उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। भाइयों, इसे ट्रेन के बाथरूम में बंद कर देते हैं, वही सही रहेगा। फिर वो तीनों उसे पकड़ कर ट्रेन में पीछे की ओर ले जाते हैं और बाथरूम में बंद कर देते हैं और दरवाजा बंद कर देता है। बच गए, हाय हाय। अरे कमबख्तो, इस चुड़ैल को अपने साथ कहाँ लेकर घूम रहे हो? तुम्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है क्या? भाई मुझे माफ कर दो, मैं इसका इलाज करवाने के लिए ही इसे शहर लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये सब अनहोनी हो गई। हमें बस सुबह तक का इंतजार करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर वो चुड़ैल जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है। ए, खोल दरवाजा। तुम सब मरोगे, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खोल, तुम सब मरोगे। फिर कुछ देर इंतजार करने पर सूरज निकल आता है और संगीता ठीक हो जाती है। फिर वो संगीता का शहर से इलाज करवाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है।